हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। हम लोग अपना टॉपिक कर रहे थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसका पार्ट वन मैं कल अपलोड कर चुकी हूँ और वो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई है उसमें से देख सकते हैं और मेरे चैनल पर डायरेक्ट जाके भी देख सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ 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 पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें आपके काम की बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो आपको इन फ्यूचर बहुत काम आएंगी। और ये जो प्री का रिज़ल्ट आया है अभी मेंस के लिए, जो बच्चे सिलेक्ट हुए उनके लिए तो ये सीरीज़ बिल्कुल रामबाण का काम करेगी, क्योंकि एक ही जगह बुक में सारा मटेरियल उपलब्ध नहीं होता है। इसीलिए मैं सारा ये पैचअप करके एक साथ आपको लेकर आ रही हूँ। तो हम लोग शुरू कर रहे थे इसका पार्ट का, GS पेपर वन का पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 6 और 7 मैं पहले ही करा चुकी हूँ। 8 में आज एक लेक्चर कराऊंगी और शाम को भी एक लेक्चर अपलोड हो जाएगा। तो आज ये कोशिश कर रहेगी मेरी कि ग्लोबलाइजेशन में कंप्लीट करा दूँ, ग्लोबलाइजेशन तक पूरा ये टॉपिक यहाँ एंड करा दूँ और नेक्स्ट टॉपिक फिर से शुरू करें। और प्लस एथिक्स का लेक्चर मैं जल्द ही, कल शायद, मोस्ट प्रॉब्ली कल मैं एथिक्स का एक लेक्चर अपलोड करूँगी, जिसमें आपको वस्तुनिष्ठता के बारे में पूरी डिटेल से समझाया जाएगा कि वस्तुनिष्ठता होती क्या है। तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये देखिए पॉइंट नंबर 1, एज इट इज जैसे सिलेबस में दिया हुआ है मेंस के, वैसे ही मैंने यहाँ पर आपको दिया है। तो यहाँ पर हम लोग उदारीकरण का टॉपिक ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके थे, निजीकरण और वैश्वीकरण के बारे में बात करेंगे। ये देखिए, ये हमारा विषय सूत्र है जिसको मैंने सब पार्ट्स में डिवाइड किया है, उदारीकरण की अवधारणा, इसके उद्देश्य, ये हम दो टॉपिक कर चुके हैं इसमें। आज हम यहाँ करेंगे सरकार द्वारा उदारीकरण के संबंध में उठाए गए कदम। यहाँ पर ये टॉपिक है सरकार द्वारा उठाए गए कदम, जो कि उदारीकरण के संबंध में है। नेक्स्ट हम निजीकरण की अवधारणा भी आज ही देखेंगे। और आज हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा निजीकरण के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, मतलब कि किन क्षेत्रों में निजीकरण किया गया है सरकार द्वारा। बाकी के जो टॉपिक है काफ़ी लेंथी टॉपिक है, ये वैश्वीकरण की अवधारणा, वैश्वीकरण के लाभ, वैश्वीकरण के संदर्भ में भारत का मत और ये इसके नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव, ये दोनों जो टॉपिक है ये काफ़ी लंबे टॉपिक हैं ये सारे। तो कोशिश है कि 1 से 2 वीडियोस में ये टॉपिक पूरे ख़त्म हो के आप लोगों का ये पॉइंट नंबर 8 पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो चलिए एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए जो मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था, उदारीकरण की अवधारणा और इसके उद्देश्य क्या क्या थे। तो आज हम बात करते हैं सरकार द्वारा उठाए गए कदम, मतलब कि सरकार ने ऐसे क्या क्या काम किए जिससे उदारीकरण के क्षेत्र में व्यापक उन्नति हुई। तो सबसे पहला इसमें सरकार ने कदम किए औद्योगिक क्षेत्र में सुधार किया। आप किस टाइप से सुधार किया इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये दो तरह से शुरू किया गया मेनली। पहला तो क्या किया, लाइसेंस और निवेश में जो प्रतिबंध लगे थे उसमें छूट दी गई, मतलब कि कुछ पर्टिकुलर जो उद्योग थे उसमें लाइसेंस लेना पड़ता था, उसमें जो निवेश अगर कोई क्षेत्र करता था तो उसमें सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, तो इसमें सरकार ने काफ़ी छूट प्रदान की गई। और दूसरा इन्होंने किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश को बढ़ावा दिया गया। विनिवेश का मतलब होता है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं उसमें उनके जो शेयर हैं उनकी बिक्री द्वारा निजी क्षेत्र को प्रवेश देना, जो भी बाहर के निजी क्षेत्र हैं उनको सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों की बिक्री के द्वारा प्रवेश देना विनिवेश कहलाता है। तो सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में सुधार के लिए ये काम किए। आर्थिक सुधार में, ये जो औद्योगिक क्षेत्र के सुधार में, पहले जो लाइसेंस लेना पड़ता था वो 18 जो उद्योग थे विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो आरक्षित किए गए थे, मीन्स की ऐसे 1991 के पहले की बात मैं बता रही हूँ कि ऐसे 18 उद्योग थे जिनमें सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र ही काम कर सकता था, निजी क्षेत्र को उसमें अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन आज के जो हम बात करें आज के परिप्रेक्ष्य में, तो आज सिर्फ परमाणु ऊर्जा और रेलवे ही ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया। बट अब रेलवे तो है सार्वजनिक क्षेत्र भी, बट जैसे उसकी कैटरिंग का काम हो गया, उसकी साफ सफाई का काम हो गया, ये सारा भी अब निजी क्षेत्र को दे दिया गया है। तो औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी अच्छा सुधार किया है उदारीकरण के द्वारा। नेक्स्ट हम पॉइंट बात करेंगे व्यापार नीतियों में सुधार किया गया है इसमें। जैसे कि व्यापार नीति का मतलब होगा यहाँ पर
आयात और निर्यात में जो भी प्रतिबंध लगाए गए थे, जैसे कि आयात करना और निर्यात करने में जो भी ड्यूटीज देनी पड़ती थी, कर देने पड़ते थे, उसमें काफ़ी छूट दी गई, जिससे कि विदेशों में देशी व्यापार हमारा काफ़ी अच्छे से पैठ अपनी बना ले, सुनिश्चित कर सके इस चीज़ को। और इसमें क्या किया, प्रशुल्क दरों में कमी की गई। मीन्स कि अगर कोई भी कर देना होता था या कोई माल कहीं से आता था, उसमें शुल्क जो लगाया जाता था, उस दर में भी सरकार ने कमी की यहाँ पर। और आयात के जो लाइसेंस प्रक्रिया थी, खरीदने जो भी सामान अगर हमें बाहर से खरीदना पड़ता था, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, उसको भी सरकार ने समाप्त कर दिया। बट इसमें हानिकारक और पर्यावरण से संबंधित जो उद्योग थे, उनको छोड़ दिया गया। मतलब कि अगर कोई फैक्ट्री लगाई गई है और उससे कोई सामान, उसके फैक्ट्री में जो भी माल बन रहा है उसके लिए कोई सामान मंगाना है, तो अगर वो सामान पर्यावरण के लिए हानिकारक है या नॉर्मली आम जनता के लिए हानिकारक है, तो उस पर प्रशुल्क ड्यूटी लगाई गई, मतलब कि लाइसेंस प्रक्रिया उसमें शामिल की गई। नहीं तो बाकी काफ़ी उद्योगों को लाइसेंस प्रक्रिया से मुक्त कर दिया गया इसमें। ऐसे ही इसमें और किया गया, कृषि पदार्थों और औद्योगिक उपभोक्ता वाले पदार्थों को, जैसे कि उसको आयात संबंधी प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया, जो कृषि से रिलेटेड चीज़ें थी, और जो उद्योग सॉरी उपभोक्ताओं से रिलेटेड चीज़ें थी, उसको आयात से, आयात के कर से मुक्त कर दिया गया। और भारतीय जो वस्तुएं थी वो अंतर्राष्ट्रीय जो बाज़ार है उसमें अपनी पैठ बना सके, उसमें प्रतिस्पर्धा कर सके, इसके लिए भी प्रशुल्क हटा दिए गए। अगर प्रशुल्क ज़्यादा होंगे तो वो वस्तु वहाँ विदेशों में जाके महंगी हो जाएगी, जिससे वो प्रतियोगिता का सामना नहीं कर पाएगी, इसलिए प्रशुल्क सरकार ने हटा दिए। तो व्यापार नीतियों में काफ़ी अच्छा सुधार किया गया, ये 1991 के बाद से किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें थर्ड है वित्तीय क्षेत्र में सुधार। वित्तीय क्षेत्र में मीन्स इसमें यहाँ पर बीमा क्षेत्र आ जाता है, बैंकिंग क्षेत्र आ जाता है, तो इसमें बहुत अधिक सुधार किया गया। जैसे इसमें काफ़ी चीज़ें ध्यान दी गई, जैसे कि जो अगर वित्तीय क्षेत्र में सुधार है तो लोगों में बचत की भावना पैदा हुई काफ़ी। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हुआ तो लोगों ने बचतें अपना बैंकिंग में जमा करना शुरू कर दिया। अगर बचत ज़्यादा होगी देश में तो निवेश भी होगा, औद्योगिक क्षेत्र में निवेश होगा, उपभोक्ता के क्षेत्र में निवेश होगा, कृषि क्षेत्र में निवेश होगा, तो बचत से निवेश होगा। और अगर किसी भी देश में निवेश बहुत सुदृढ़ होता है तो वहाँ पर समृद्धि होना बिल्कुल बनता ही बनता है। जिस देश में निवेश में ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है तो वहाँ उस देश में वृद्धि और विकास बहुत अच्छे से होगा। नेक्स्ट यहाँ बात की गई कर व्यवस्था में सुधार किया गया। तो कर व्यवस्था में जैसे कि पहले क्या था कि व्यक्तिगत जो आय थी वहाँ करों की दरों में बहुत कमी की गई। पहले बहुत ज़्यादा कर थे और कर अगर ज़्यादा होते थे लोग उसे देने से बचते थे, लेकिन जब कर उसमें कम कर दिया गया तो लोग स्वेच्छा से कर देने लगे कि हमें भी अपने देश की तरक्की में कुछ हाथ बटाना चाहिए। इसी तरह निगम कर में भी कटौती की गई, जैसे कि वस्तुओं और सेवाओं को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय स्तर पर साझे के बाजार को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया और कर प्रणाली को आसान बनाया गया। मतलब कर जो जमा करने का सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा आसान बनाया गया। अब तो इतने ज़्यादा फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं कि घर बैठे बैठे हम लोग अपना कर डिपॉजिट कर सकते हैं। ऐसे ही करदाता अगर आसानी से भुगतान कर सकेंगे तो फिर उनको कर देने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। और जो कर व्यवस्था को आसान बनाने के साथ साथ कर की दरों में भी यहाँ कमी की गई सरकार द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे विदेशी विनिमय में सुधार। मतलब कि जब नई आर्थिक नीति लागू की गई उससे पहले जो भारतीय भुगतान शेष की जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा प्रतिकूल थी, तो इससे जो भारत में विदेशी विनिमय कोष में बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए, तो उनमें से कुछ कदम मैं बता देती हूँ। उसको पॉइंट वाइज आप लोग अपनी बुक्स में जहाँ भी नोट्स बना रहे हैं उसमें नोट कर लीजिएगा, ये आपके काम आएगा आगे। जैसे कि फेरा के स्थान पर फेमा को यहाँ पर लाया इन लोगों ने, फेरा के स्थान पर। इसको हम डिटेल से इकोनॉमिक्स के पेपर में समझेंगे फेरा और फेमा क्या होता है। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक को सुविधा प्रदाता के रूप में तैयार किया गया। मीन्स जो रिजर्व बैंक था पहले वो एडवाइजरी बॉडी था, सिर्फ एडवाइस देता था, लेकिन उसके बाद वो सेवा प्रदाता, मतलब कि लोगों को डिपॉजिट भी देने लगा, जो वो सेंट्रल बैंक के रूप में बहुत अच्छे से अपना काम करने लगा। ऐसे ही
वस्तु और सेवाओं के आयात और निर्यात का जो बाजार है उसको प्रेरित किया गया कि बहुत ज़्यादा वस्तुएं बाहर से लाके इंडिया में बेची जाएं और इंडिया की बहुत सारी वस्तुएं विदेशों में बेची जाएं, जिससे विदेशी मुद्रा और विदेशी विनिमय में काफ़ी अच्छे से सुधार हो सके। तो सरकार ने ऐसे बहुत सारे कदम उठाए जिससे कि जो उदारीकरण की नीति को है उसे सुदृढ़ बनाया जा सके और अपने देश में वृद्धि और विकास को सुनिश्चित किया जा सके। आगे हम बात करते हैं निजीकरण की अवधारणा। निजीकरण नाम से ही जैसे आप लोगों को पता चल रहा होगा कि निजी क्षेत्रों में कोई चीज़ का आना, तो इसको हम अगर ऐसे समझें कि सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग करना, जो भी चीज़ें सार्वजनिक क्षेत्र की हैं उसे सरकार अगर निजी क्षेत्रों के लिए छोड़ देती है, सिंपल मीनिंग में ये हो जाएगा, तो इसे हम निजीकरण की अवधारणा कहेंगे। अगर आपको एज अ डेफिनेशन लिखनी है तो आप इसमें लिखेंगे कि निजीकरण सार्वजनिक उपक्रमों के स्वामित्व में निजी क्षेत्रों को सहभागिता प्रदान की जाती है। निजीकरण के अंतर्गत जो भी सार्वजनिक उपक्रम है उसमें सरकार का स्वामित्व होता है, अगर उसमें निजी क्षेत्र को सहभागिता दे दी जाती है तो उस क्षेत्र को निजीकरण कहा जाता है। इसका मेन एग्जांपल है रेलवे, आप लोग ले सकते हैं, बीमा क्षेत्र ले सकते हैं, कि इसमें पहले जो था वो सरकार का ही बिल्कुल इसमें पैठ होती थी, लेकिन अब है वो निजी क्षेत्रों को दे दिया गया है। बहुत सारी बीमा कंपनी खुल गई हैं जो अपने अपने बीमा करती हैं। ऐसे ही रेलवे पूर्णता नहीं हुआ है निजी क्षेत्र में, बट जैसे रेलवे में कैटरिंग का काम हो गया, रेलवे में साफ़ सफाई का काम हो गया, उसके रख रखाव का काम हो गया, बिस्तरों के उसके काम हो गए, ये सारा काम अब निजी क्षेत्र को दे दिया गया है। बस उसका जो आवागमन का काम है, उसकी सारणी तैयार करना, ये सारा काम अभी सार्वजनिक क्षेत्र ने ले रखा है अपने पास। और धीरे धीरे ऐसा टाइम आएगा कि कोई भी क्षेत्र अब सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं रह जाएगा, सारे के सारे निजी क्षेत्र में तब्दील हो जाएंगी चीज़ें। अभी हमने विनिवेश की बात की थी, तो विनिवेश को यहाँ आप इस डेफिनेशन में समझ सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में शेयरों की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। मीन जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं उसमें सरकार के जो शेयर होते हैं, अगर उन्हें मार्केट में खुला बेच दिया जाए और उन जो शेयर होते हैं वो निजी लोगों द्वारा, जो निजी औद्योगिक लोग हैं उनके द्वारा खरीद लिया जाता है, तो वो जो उतने पर्टिकुलर उद्योग में उतने के हिस्सेदार हो जाते हैं, उसमें उसके मालिक हो जाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को विनिवेश कहा जाता है। तो विनिवेश का मतलब आप लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। आगे हम बात करेंगे निजीकरण का क्षेत्र क्या होती है या उनकी क्रियाएं क्या क्या हैं। मैं इसकी ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं, वैसे तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन अगर आप लोगों को थोड़े से कुछ क्षेत्र 8-10 पॉइंटर देने हैं तो आप इसमें से लेके दे सकते हैं। बाकी आप लोग ये वाला पार्ट अपने आप से भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको निजीकरण समझ में आ गया तो उसके क्षेत्र और क्रियाएँ आप अपने मन से लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे बीमा क्षेत्र की। जैसे कि बीमा क्षेत्र को काफ़ी हद तक अब निजी क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है, 100% बीमा क्षेत्र निजी क्षेत्र में आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्रों का निजीकरण किया गया, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की खराब स्थिति के कारण पूंजी का विनिवेश करना। बहुत से ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं जिनमें घाटा सहना पड़ रहा है सरकार को, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा काम किया है कि विनिवेश कर दिया, उसके कुछ शेयरों को बेच दिया है, निजीकरण कर दिया उसका, ताकि जो निजीकरण के द्वारा उसमें पूंजी का निवेश किया जा सके और उस स्थिति को ऊपर उठाया जा सके। नेक्स्ट या थर्ड पॉइंट है सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र के उद्यमियों को अनुबंध पर देना, मतलब लीज पर देना कोई चीज़। अगर कोई एक पर्टिकुलर उद्योग है उसको सरकार नहीं चला पा रही है या वो निजीकरण करना चाहती है उस उद्योग का, तो वहाँ के उद्यमियों को उसको लीज पर दे देगी कि इतने दिन के लिए हम आपको ये देते हैं, इतना प्रॉफिट या इतना हमें उसका पैसा चाहिए। तो ये इसमें इसकी निजीकरण के क्षेत्र में ये क्रिया आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आरक्षित उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की पहल। काफ़ी सारे आरक्षित उद्योग थे, जैसे कि पहले लाइसेंस लेने पड़ते थे, 18 उद्योग आरक्षित उद्योग थे 1991 से पहले, जैसे रेलवे हो गया, बीमा क्षेत्र हो गया, ये सारे आरक्षित थे, लेकिन इसको अब निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया गया है काफ़ी हद तक। आगे हम बात करेंगे रेलवेज में भोजन जलपान व्यवस्था, मेट्रो रेल में निजी क्षेत्र की भागीदारी, ये सब आप लोग, मैं पहले ही पॉइंटर बता चुकी हूँ कि रेलवेज में जो होता है भोजन और कैटरिंग का काम, ये सारा काम अब निजी क्षेत्रों ने ले लिया। मेट्रो में भी काफ़ी हद तक निजी क्षेत्र की भागीदारी हो गई है यहाँ पर। नेक्स्ट लाइसेंसिंग एवं मौद्रिक नीति में कठोर प्रतिबंध को हटाया जाना।
लाइसेंसिंग और मौद्रिक नीति, लाइसेंस लेना मतलब कौन से उद्योगों को लाइसेंस लेना है और कौन सी स्टेट में हमें पर्टिकुलर इन्वेस्ट करना है, इन सब चीज़ों में जो कठोर प्रतिबंध सरकार ने लगाए थे ताकि निजी क्षेत्र आसानी से उसमें घुस सके, इस नीतियों को काफ़ी हद तक हटा दिया गया है ताकि जो भी उद्योग या क्षेत्र हैं उनका निजीकरण बहुत आराम से किया जा सके। औद्योगिक नीति उदार बनाएगी, सेम यही पॉइंट इसमें भी है कि औद्योगिक जो नीतियाँ थी, पहले था कि लाइसेंस लेना पड़ता था, इतनी मनी इन्वेस्ट करनी पड़ती थी, जो भी इसके रूल्स रेगुलेशन है वो अपनाने पड़ते, तो इसको और ज़्यादा उदार कर दिया गया ताकि निजी क्षेत्र इसमें आसानी से अपने काम को सुनिश्चित कर सके, अपना निवेश कर सके, पैसा लगा सके, जिससे वृद्धि और विकास को समुचित व्यवस्था में अपनाया जा सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे बड़ी परियोजना, बंदरगाह, सड़क मार्ग, पुल निर्माण, औद्योगिक भवनों का निर्माण निजी क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा। अब आप लोग जानते हैं पहले ये सब जो काम होते थे, बंदरगाह का निर्माण होता था, सड़क का निर्माण या पुल का निर्माण या किसी औद्योगिक भवन का निर्माण होता था, ये सारा सार्वजनिक क्षेत्र के अंडर में आता था। सड़क कोई बन रही है तो सार्वजनिक क्षेत्र ही कराता था। अब क्या करते हैं, है तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर लेकिन वो उसका फिर बोली लगवाते हैं और उन्हें निजी क्षेत्र में जिनकी बोली ज़्यादा होगी उनको वो टेंडर दे दिया जाएगा कि आप ये पुल बनवाइए, सड़क बनवाइए या भवन बनवाइए। तो आप लोग भी उसका हाल भी जानते हैं, जगह जगह पर अब हर साल 2 साल में एक खबर सुनने को मिल रही है कि पुल गिर रहे हैं, सड़क गिर रही है, कुछ सड़क टूट फूट हो रही है। तो ये सिर्फ निजी क्षेत्र के कारण ही हो रहा है, तो कुछ कमियां भी हैं इसकी और कुछ फायदे भी हैं, तो इसमें दोनों चीजें हैं। तो हम इसमें हर चीज समझ के आंसर के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमें क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। अगर कहाँ जहाँ कमी पूछी गई है वहाँ कमी बताएंगे और जहाँ पर वहाँ उसके फायदे पूछे गए हैं उसके बारे में भी हम यहाँ बात करेंगे। तो आज हमने निजीकरण का अवधारणा देखी थी, निजीकरण के क्षेत्र देखे थे और उदारीकरण में जो हमने देखा था सरकार द्वारा उठाए गए कदम, उसके बारे में हमने बात की थी। बहुत लंबा लेक्चर मैं नहीं बनाऊंगी, इसी का मैं एक सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट ले सॉरी ये सेकंड पार्ट तो है ही, मैं थर्ड और फोर्थ पार्ट लेकर आऊंगी ताकि आपको शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा छोटे छोटे लेक्चर्स में आपको पूरी अच्छे से डिटेल समझ में आ जाएगी। क्योंकि अगर मैं पूरा एक ही लेक्चर में कवर कराऊंगी तो कम से कम 50 मिनट्स का वीडियो हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम आप देख लीजिए वैश्वीकरण की अवधारणा, वैश्वीकरण के लाभ, वैश्वीकरण के संदर्भ में भारत का मत, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने, और अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि इसका मतलब क्या है और आंसर राइटिंग में हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी वीडियोज़ में क्या अभी इश्यूज़ हैं जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहे हैं और किस टाइप की वीडियो और देखनी है, इसके लिए भी आप मुझे कमेंट कीजिए। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।